नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक कई दिनों से मंडल के दौरे पर हैं। उसी क्रम में आज इनका हमीरपुर दौरे था। महोबा के रास्ते हमीरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने मोधा कस्बे की सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक महोबा के रास्ते हमीरपुर पहुंचे थे। यहां इन्होंने मोधा सीएचसी का निरीक्षण कर आयुष्मान कार्ड बनने की गति रिपोर्ट ली, तो वही पीडब्ल्यूडी डांग बंगले में वृक्षारोपण किया। यहां से निकलकर उप मुख्यमंत्री का काफिला सुमेरपुर कस्बे पहुंचा, जहां इन्होंने कान्हा गौ आश्रय स्थल पहुंचकर भूसे चारे की गुणवत्ता को देखा और इसी दौरान गायों का तिलक करते हुए इन्हें गुड़ खिलाया। हमीरपुर मुख्यालय पहुंचने पर इन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और कहा कि बुंदेलखंड विकास के पथ पर आज नंबर एक हो, सभी योजनाओं का यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके, इसका स्थलीय परीक्षण करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री ने हमीरपुर भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे में अतीक हो या कोई भी गुंडा माफिया हो, हम अपने पैरवे को मजबूत रखते हुए सभी को सजा दिलाएंगे। हमने 6-6 माह में फांसी से लेकर उम्र कैद की सजा दिलाई है। बच्चों और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को रोका है। आज अपराधियों में प्रदेश सरकार और कानून का खौफ है। पूरा बुंदेलखंड विकास के मामले में नंबर एक पर हो, इस बात की चिंता हमारी सरकार लगातार कर रही है। केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं और प्रदेश सरकार की एक एक योजना धरातल पर आम जनता तक पहुंचे, इसका स्थलीय परीक्षण करने के लिए हम लोग लगातार बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। बुंदेलखंड के प्रवास के दौरान सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने पीने के पानी की होती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से घर घर जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाया जा रहा है। शीघ्र ही पूरे बुंदेलखंड में एक एक घर में नल से जल पहुंचेगा। जहां पहले टैंकर से रेल से पानी मंगाना पड़ता था, ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी, वीआईपी जिलों में, अब सभी जिले वीआईपी हैं। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्या है, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर वन बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के प्रवासी अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। अभी मैंने आपसे बताया है, आज हम जब बिंदुवार विभागवार समीक्षा करेंगे तो जिलाधिकारी महोदय, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को अधिकार देकर के जाएंगे कि सभी पदों पर स्थानीय स्तर पर इंटरव्यू करके भर्ती कर ले। इसीलिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तनख्वाह में बहुत बढ़ोतरी हमने की है। पहले ये लोग 1-1.5 लाख रुपए पाते थे, अब हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं। यदि कोई विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीएससी सीएससी में काम करना चाहता है, आए, हम उनकी मदद करेंगे, उनको अपनी सेवा में लेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए अधिकृत करके जाएंगे। देखिए, हमारी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतीक हो या कोई गुंडा माफिया हो, सबको हम कोर्ट में पैरवी करेंगे। अभियोजन अपना ठीक से पक्ष रखेगा और सभी मामलों में सजा दिलाएंगे। हमने 6-6 माह में लोगों को फांसी से उम्र कैद की सजा दिलाई है। बच्चों महिलाओं के प्रति अपराध में आज अपराधियों में प्रदेश सरकार का और कानून का खौफ है।